12-year-old, so let's continue the chapter. Coorg. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Coorg. तो कावेरी नदी को जो सबसे ज़्यादा पानी मिलता है वो कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं, जो जंगल हैं, वहीं से मिलता है. महाशीर आर लार्ज फिश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स. महाशीर जो एक बहुत बड़ी ताजे पानी की मछली होती है वो इसी पानी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है. किंग फिशेज डाइव फॉर देयर कैच वाइल्ड स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉ पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. जो किंग फिशर होती है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए डाइव करती है, पानी में टुपकी लगाती है, जबकि जो गिलहरी होती है और जो लंगूर होते हैं वो ड्रॉ पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. जो साफ पानी की धाराएं हैं उन साफ पानी की लहरों के इफेक्ट को इंजॉय करने के लिए वो अपनी मिस्चीफ से, अपनी शरारत से जो फल होते हैं उनको आधा खाकर उसमें गिरा देते हैं. एलिफेंट्स एंजॉयिंग बीइंग बाथ्ड, जो हाथी होते हैं वो उसमें नहाते हैं, इंजॉय करते हैं. एंड स्क्रब इन द रिवर बाय देयर महावत, और जो उनके महावत होते हैं उनके द्वारा रगड़ रगड़ कर नहाने पर वो नहाने का पूरा इंजॉय करते हैं. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम परवर्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर. जो सबसे ज़्यादा आराम पसंद करने वाले लोग होते हैं तो वो लोग भी, इंडिविजुअल मीन्स यहाँ पर पीपल को रेफर किया गया है, वो लोग भी अपनी लाइफ का इंजॉय करने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी एडवेंचर, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले जो एडवेंचर गेम होते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग करना, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग पर्वतों पर बाइक चलाना, रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ना, और रैपलिंग मीन्स होता है पहाड़ की चोटी से रस्सी के द्वारा नीचे उतरना, और कैनोइंग मीन्स होता है बोटिंग करना, और रिवर राफ्टिंग आप सभी को पता ही है. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर आर फेवरेट विद ट्रैकर्स. और इस एरिया में जो इस क्षेत्र के जो ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं वो यहाँ के रास्तों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. मीन्स इस एरिया में न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, ऐसे ट्रैकिंग करने वाले रास्ते हैं जो कि ट्रैकर्स के लिए बहुत ही फेवरेट होते हैं. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. मैकॉक, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी. आई डू हाउएवर प्रीफर अ साइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स. तो वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, पक्षी आर देयर टू गिव यू कंपनी. आप लोगों को कंपनी देने के लिए वहाँ पर अगर कोई विजिटर जाते हैं तो उनको कंपनी देने के लिए वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज भी हैं. मैकिक्स मालाबार स्क्वायरल, मैकिक्स मीन्स होते हैं जो इस टाइप का बंदर होता है, लंगूर जैसा दिखता है वो, उसको मैकिक्स कहते हैं. मालाबार स्क्वायरल जो मालाबार की गिलहरियाँ हैं, लंगूर है, एंड स्लेंडर लोरीज और स्लेंडर लोरीज में जो पतली पतली छिपकलियाँ हैं, कीप अ वॉचफुल आई, वो उन ट्री कैनोपी से, ट्री कैनोपी में जो किसी छाते के आकार के पेड़ होते हैं, नहीं छाते जैसे दिखने वाले जो पेड़ होते हैं, वहाँ से आप पर एक वॉचफुल आई रखती हैं, नजर रखती हैं, उसको देखते रहते हैं.
I do, however, prefer a site or wild elephant. Or, हालांकि narrator कहता है कि जो वहाँ पर wild elephants हैं, वो उनकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा careful रहता है, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर देखता हुआ चलता है। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. तो जो ब्रह्मगिरी हिल्स है उसकी चढ़ाई करना कुर्ग के एक बहुत ही पैनोरामिक व्यू मीन्स एक बहुत ही अनोखा एक बहुत ही सुंदर व्यू हमें दिखाती है पूरा इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कुर्ग का जो पूरा एक मिस्टी लैंडस्केप है जो एक मिस्टी लैंडस्केप मतलब जो थोड़ा धुंधला जो कोहरे से भरा हुआ लैंडस्केप है उसका एक अनोखा दृश्य हमें दिखाती है। अ वॉक अक्रॉस द रोड ब्रिजेस the river leads to the 64-acre island of Nisargadhama. So, Nisargadham एक island है. Nisargadham island की तरफ 64-acre वाला एक रस्सी का पुल बना हुआ है और उसको पुल पार करके Nisargadham जो island है हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। Running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement. जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट जो तिब्बत की तिब्बत के एरिया में जो बौद्ध भिक्षु हैं बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनसे मिलना नियर बाय ब्लैक ओपी के पास उनसे मिलना ये लोगों के लिए एक बोनस है। द मॉन्क जो वो संत हैं भिक्षु हैं इन रेड अपर एंड येलो रोब्स आर अमंगस द मैनी सरप्राइजेस दैट दे टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कोरिया। रेड और जो गेरुआ कलर होता है येलो कलर होता है तो ऐसे कपड़ों में लिपटे हुए ये जो मॉन्क हैं ये एक सरप्राइज आश्चर्यों में से एक है जो कि डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स के द्वारा डिस्कवर किए जाते हैं सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया जो भारत की आत्मा के भारत के दिल की खोज करने के लिए इंडिया को विजिट करने के लिए जो विजिटर्स आते हैं वो इन लाल गेरुए और पीले कपड़ों में उन साधुओं को जब देखते हैं तो वो उनके लिए एक आश्चर्य में से एक होता है और जो ये सारी चीज़ें राइट हियर इन कुछ एक साथ उनको कुर्ग में मिल जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स आई थिंक इट्स क्लियर टू यू थैंक यू सो मच।